अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूँ इकरा शहजाद। मैं हूँ उस्मान अमान। से डालेंगे दुनिया हेडलाइंस पर। बस बहुत हो चुका, हुक्मरान जमात शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन पर आमादा। नवाज लीग के अरकान पार्लियामेंट के इजलास में अक्सरियत ने ऑपरेशन की हिमायत कर दी, कुछ ने मुजाकरात पर इसरार किया। ऑलमोस्ट यूनाइटेड ये स्टैंड था, कोई इस इशू के खिलाफ तो नहीं बोला कि इनफ इज इनफ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दहशतगर्दों के मुसलसल हमलों पर गुस्से में आ गए, चश्मा मेज पर दे मारा, कहते हैं अपनी सरजमीन को शिद्दत पसंदों से पाक करेंगे, बात सिर्फ आइन तस्लीम करने वालों से ही होगी। मुज़ाकरात करें या ऑपरेशन, चौधरी निसार ने बॉल ऑपोजिशन के कोर्ट में फेंक दी, कहते हैं जिससे बातचीत करनी है वो अफगानिस्तान में बैठा है, फौज तभी लड़ेगी जब तमाम जमातें मुत्तहिद होंगी। वज़ीर आज़म ऐवान में आते हैं ना ही अपनी पार्टी के अरकान को मिलते हैं, हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस का गिला, ऑपोजिशन की आंखें भी नवाज शरीफ के दीदार को तरस गईं। वज़ीर आज़म ने भी छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है, स्पीकर का इंकशाफ। अमरीका का पाकिस्तान को मईशत में एशियाई टाइगर बनाने की हिमायत का ऐलान, जॉन कैरी कहते हैं अमरीका पाकिस्तान की खुशहाली में हर मुमकिन ताबुन करेगा। पंजाब में जमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में सड़कों पर निकल आई, इमरान खान कहते हैं चीफ जस्टिस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों में ताखीर का नोटिस ले। गद्दारी केस में इस्तगासा, फौजी अस्पताल की रिपोर्ट से गैर मुतमईन, परवेज मुशर्रफ के लिए सिविल डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड बनाने की दरखास्त दी थी। दहशतगर्दों के पास ऐसा जदीद असलहा है कि पुलिस वाले इसका नाम भी नहीं जानते, वजीर आला सिंध का इंकशाफ, कहते हैं दहशतगर्दों का सफाया करने में एक दो साल लग ही जाएंगे। इस्लामाबाद में बहरिया टाउन और बैन अल-अक़वामी फूड चेन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया, बहरिया टाउन रावलपिंडी और लाहौर में पिज्जा हट, बर्गर किंग और टीजीआई फ्राइडेज की शाखें भी खोली जाएंगी। पोलियो वैक्सीन किसी तरह भी अफजाइश नस्ल को नहीं रोकती और न ही इसमें कोई हराम चीज शामिल है, बुलेटिन में शामिल है पोलियो कतरों पर तहकीकाती रिपोर्ट। सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की पेशकश, पाकिस्तान भारत के लॉलीपॉप पर राजी, क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भारत के कब्जे में देने पर आमादा हो गया। और दबंग खान की एक और कामयाबी, बॉलीवुड फिल्म जय हो 100 करोड़ क्लब में शामिल।